हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फिर से मेरे एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। कल के डेट में हम लोग गए थे सिमरा, जो कि हमारे बुआ का घर है। आप लोग जानते हैं, काफ़ी लोग जानते हैं, काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। जो लोग नया वीडियो देख रहे हैं वो लोग नहीं जानते हैं। और हम लोग गए थे तो एक दादा से मुलाकात हुई थी जो बहुत ही बुजुर्ग हैं। और 1980 में ये लोग हमारे यहाँ ददोली जो वहाँ दिखे थे कल के डेट में। आप लोग वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं कल का वीडियो। तो गए थे तो पैदल आते थे ददोली रसगुल्ला खाने के लिए। रसगुल्ला के बहाने लोग बैगन लेकर बेचने के लिए, दूसरे का बैगन लेकर बेचने के लिए तो यहाँ तक आते थे। तो इसी बहाने रसगुल्ला भी खा लेते थे यहाँ का ददोली के। हमारे ददोली का रसगुल्ला बहुत ही फेमस है, काफ़ी दूर दूर के लोग जानते हैं यहाँ का रसगुल्ला के बारे में। तो बहुत ही पुरानी दुकान है यहाँ पर, पहले एक दुकान थी, अब बहुत सारी दुकान हो चुकी हैं। और तो कल हम लोग शाम को ही यहाँ घर पे आ चुके थे। तो देखते हैं आज के वीडियो में क्या बनता है। आज भैया के जो है खेत में धान लग रहा है। चलो फिर भी देखते हैं, दिखाते हैं आप लोग को। और आज घर पे काफ़ी लोग भी आएंगे। अभी हम आ चुके हैं खेत की तरफ। आज भैया के धान, भैया जो है खेत में धान लगेगा। तो इधर भैया पंप बिछा रहे हैं और हम तो पंचायत घर के बगल में हैं। कल हमारे धान लगेगा, आज नहीं, आज भैया लग गया तो कल हमारे लगेगा धान। कल का वीडियो आप लोग देखिएगा, जो भी आज के भी देखिएगा। गाइस आपने देखा कि ऊपर मीटिंग चल रही है, और तो उन लोग के लिए हम कुछ लाने के लिए जा रहे हैं अभी, समोसा और रसगुल्ला। तो अभी लोग सभी लोग के लिए कुछ लाने जा रहे हैं। भूख भी सभी लोग को लगी, काफ़ी देर से मीटिंग चल रही है। और ऐसे जाएंगे तो ऐसे जा रहे हैं एक जगह गोहरी, तो हमारी बगल की दीदी हैं तो उनको पहुँचाएँगे उनके वहाँ तक, और फिर लौटते समय हम समोसा और रसगुल्ला लेके आएँगे। तो अभी चलते हैं। ये बाइक टोपी को रखे अंदर, हेलमेट लगाएँ पहले। रसगुल्ला और समोसा आ चुका है, और ये हाथ मेरा बहुत दर्द करने लगा क्योंकि हम अकेले थे और लाने में दिक्कत हुई। ये जो रसगुल्ला था मटके में आया, मटके में भैया ने दिया तो इसीलिए बहुत ज़्यादा गर्व था, और जो मेरा हाथ है दर्द करने लगा। ऐसे बाइक भी चला रहे थे, पकड़े भी थे। तो आ चुका है और ऊपर मीटिंग भी चल रही है। तो अभी जब बुलाएंगे बताएंगे कब लाना करना है तो हम ले जाएंगे देंगे। तो भी पापा हैं, ऊपर मीटिंग कर रहे हैं, तो फिर से आप लोग को एक झलक दिखाते हैं ऊपर किसी। चलो ऐसे चलना है। अभी हम लगभग 3-4 बार लगा मंडी गए चौराहे पे, क्योंकि और लोगों को पहुंचाना था जो लोग टैक्सी वगैरह से आए थे।
पहुंचाना था वहां पर पहुंचा के, और अभी हम नहाए भी नहीं हैं, अब चल रहे हैं नहाने। काफ़ी टाइम हो चुका है, 5 बज रहे हैं, तो अभी नहाए भी नहीं, चल रहे हैं हम नहाने। अब तो नहाते हैं, मिलते हैं नहाने के बाद। अभी समोसा खाएँ, बहुत तीर खाए इसीलिए सूसू हो रहा होगा। पहले नहा लेते हैं, फिर मिलते हैं नहाने के बाद। गाइज अभी हम गए थे ददोली, तो ददोली इसलिए गए थे जो हमारे अजब सर हैं, यहाँ पर भी मीटिंग हुई थी तो आए थे, तो अजब सर हैं गौरा के, हमारे गौरा के हैं, और वो सर आए थे तो वो चले गए बाइक से, दीपक के साथ गए। और सुराव जब पहुँचे तो फोन लगाए पापा पास कि मेरा पर्स कहीं खो गया, तो रास्ते में इनका कहीं पर्स गिर गया, तो फोन लगाया कि अजय को बोल दीजिए कि यहाँ से चौराहे तक देख ले कहीं गिरा हुआ है। तो अगर एक बार जो अगर कुछ कोई उस चीज़ होता तो मिल भी जाती, पर्स वो भी पर्स गिरा है, तो पर्स जो थी पैसा है, जानते हो पर्स में पैसा होगा, तो वो जो वो तो नामुमकिन है मिलना है रोड पर। तो गए रास्ते में देखते हुए तो नहीं मिला पर्स, तो ददोली तक हम गए भी थे, तो वहाँ से कुछ दवाइयाँ लाए जो कि खेत के लिए है, और खेत में जो घास वगैरह है ना उगे, और दीवार वगैरह जो एक होता है तो ना लगे दीवार के लिए, तो दो दवा लाए। अभी शाम तक इसको या कल सुबह तक छीट देंगे। तो एक बार जगह रोड पे अगर पैसा या कुछ भी गिर जाए तो नामुमकिन है मिलना, कोई ये भी नहीं बताएगा कि ये देखिए किसका है, तो ये सब ना मिलने वाली चीज़ नहीं है। अगर सुनसान एरिया कुछ भी जहाँ लोग ना जाते वहाँ मिल जाता, जब चलते रोड पे बिल्कुल मिलना नामुमकिन है, तो हम गए नहीं मिला, तब वो लोग चले गए होंगे। और अभी हम ये देख सकते हैं एक ये है लेमन जी, बहुत ही टेस्टी लेमन जी होता है, तो अभी हम लेमन जी पी रहे हैं। ये लेमन जी, इसको आप ठंडे या गर्म पानी किसी भी पानी में आप इसको पी सकते हैं। देखिए इसका जो कलर है वो एकदम मैंगो मॉडल दिख रहा है, ऑरेंज, तो इसको अभी तो हम गर्म पानी पी रहे हैं। ठंडे में पानी पीते हैं तो एकदम कोल्ड ड्रिंक, हाँ मैंगो कोल्ड ड्रिंक लगता, अभी तो हम गर्म पानी पी रहे हैं, तो बहुत ही टेस्टी इसका स्वाद है, एक बार ज़रूर आप लोग टेस्ट करिएगा, कभी भी आइए हमारे घर, हम आपको टेस्ट कराते हैं। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं अगर कमेंट में बोलेंगे कि हम हाँ हमको टेस्ट करना है तो घर हमारे जा सकते हैं, सभी लोग को स्वागत है हमारे घर पर इसको टेस्ट करने के लिए। लेमन जी तो पीते हैं, तभी मिलते हैं बाद में। ये देखिए जो लेमन जी हमने पिया, इसका एक पॉलीथीन है लेमन जी, मेरा लेमन जी कहाँ गई, इधर ला विजय टकलू जी हैं, ये मेरा इसको छिपा रहे हैं। जो हमारा अजब सर हैं चल रहे हैं, उनको लेवाने लगा मंडी पे हैं, वो ढूंढते हुए आ रहे हैं, अभी चल रहे हैं, देखते हैं कैसे किसी को कुछ भी अगर एक रुपये खो जाता है तो बहुत मुश्किल होती है, उनको तो पूरा पर्स खो गया है, देखते हैं अभी उनको चलते हैं लिवा कहते हैं। ये हमारा जब सर हैं, तो सर बताइए कैसे आपका पर्स खोया। हमारा पर्स यहाँ लकड़ मंडी से हम बाइक से निकले अपने सीनियर सर के साथ, तो जो है जब रोड क्रॉस किए उनके साथ बाइक पे बैठे बैठे, तो हमने अपना पीछे जीन्स का पॉकेट चेक किया, तो तब था हमारा पर्स हमारे जीन्स के पॉकेट में, तो हमारा पर्स जो है लकड़ मंडी और सुराव के बीच में ही कहीं गिर गया, और पैसा भी था, पैसा चला जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा आधार कार्ड हमारी मैडम का है, और जिसको भी हमारा ये पर्स मिले ब्लैक कलर का है, पुराना हो चुका था थोड़ा, और उसमें दो कार्ड है अजब नारायण प्रजापति के नाम से और सावित्री प्रजापति के नाम से, ये आधार कार्ड है, जिसको भी ये भाई मेरा मिले तो प्लीज़ मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूँ, उस पर संपर्क करके हमको ज़रूर बताएं आप। 73 88 24 42 23, एक बार फिर से 73 88 24 42 23, ये मेरा पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर है, जिसको भी मेरा आधार कार्ड मिले कृपया करके हम हमारे इस नंबर पे कॉल करके हमको ज़रूर बताएं। तो गाइस अभी हम गए थे अजब सर को घर लेके आए, तो अजय सर बहुत उदास भी हो गए थे, तो हमने उनको समझाया, बीच में इसलिए कट गया था कि मेरा जो फ़ोन है फुल हो गया था,
इसलिए कट गया। तो अभी कुछ जो वीडियो हैं खाली किए तो खाली हो चुका है, और सर को समझाएं कि सर आप उदास मत होइए, जीवन में उतार चढ़ाव सुख दुख आते रहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उदास मत होइए, पैसा भी कुछ भी था उसको टेंशन मत लीजिए, और आधार कार्ड थे उनका भी था और उनकी वाइफ का भी था, तो आधार कार्ड तो अब नया बन जाएगा। तो हमने बोला बहुत उदास हो गए थे तो समझाएं कि उदास मत होइए सर, कुछ नहीं होगा, कोई टेंशन मत लीजिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, सब कुछ अच्छा है। कभी जीवन में उदास मत होना, कोई भी कुछ भी कभी उदास होकर, उदास होना है लेकिन उतना भी नहीं कि अपने आप को ठेस पहुँचाना है कुछ भी। तो सर आ चुके हैं घर पर, अभी पापा के पास हैं तो बात हो रही है, तो अभी देखते हैं क्या होगा। और हम भी गए थे भी उनको बहुत दूर से, वो पैदल आ रहे हैं, सोराहों से पैदल आ रहे थे कि उनके पास एक भी रुपये नहीं था, और फ़ोन भी शायद अभी कुछ देर में किए, बोले सोचें क्या परेशान करें, फिर भी फ़ोन किए तो हमें, हम गए तो भी उनको लिवा के आए, तो भी देखते हैं क्या होता है। कहीं भी नीचे थे जहाँ पर हमारा स्टॉप पॉइंट है, सेंटर है, तो वहाँ थे, अभी कुछ ज्वाइनिंग थी तो ज्वाइनिंग कर रहे थे और बिलिंग कर रहे थे। तो अभी हो चुका है, अभी हम ऊपर आ चुके हैं अपने रूम में, ये मेरा रूम छोटा सा रूम है, अभी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कभी जब कंप्लीट हो जाएगा तब दिखाएंगे आपको, अभी एक बार शायद दिखाया था थोड़ा सा, तो अभी जब कंप्लीट हो जाएगा तो अपना रूम हम दिखाएंगे पूरा। और अजब सर भी हैं नीचे हैं जिनका पर्स खो गया है। वीडियो ब्लॉग ब्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तो डेली के ब्लॉग में अपने लाइफ रिलेटेड एक वीडियो में कैप्चर कर लेता हूँ, कभी भी आने वाले समय में हमारे बच्चे लोग देखेंगे या उनके बच्चे देखेंगे, कोई भी देख सकता है, तो इसीलिए मैं वीडियो ब्लॉग बनाता हूँ ताकि हम लोग देख सकें, मोटिवेट हो सकें, और जो मेरा बोलने का जो इसके चाहते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं कि हाँ पहले बोलना सीखो, तो क्या हम पहले बोलना एक दो साल सीख लें अच्छे से, तो क्या तब आए इसमें कि इसमें से ही यूट्यूब से ही धीरे धीरे बोलना सीख जाएंगे। तो आप लोग कमेंट बताइए कि पहले से बेहतर अच्छे हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। तो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही, ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करेगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भूलिएगा, ऐसे ही हम डेली ब्लॉग लाते रहते हैं। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक गुड बाय एंड गुड नाइट, टाटा, सी यू अगेन टुमारो।